हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ पैन केक ना। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं बताती हूँ आपको। इसमें हमें 1 ग्लास चाहिए मिल्क, उसको गूंदने के लिए 1 ग्लास मिल्क, उसमें मतलब उसका लिक्विड बनाने के लिए। 1 अंडा चाहिए पूरा, और इसमें बटर चाहिए आपको। 1 कप फ्लार है चाहिए। फ्लार जो है सेल्फ रेजिंग फ्लार है। इसके अंदर पहले से मैदा वो बेकिंग पाउडर मिला हुआ होता है, लेकिन मैंने फिर भी बेकिंग पाउडर ज़रा सा लिया है क्योंकि इसमें हमें चाहिए, तो वैसे भी सेल्फ रेजिंग फ्लार है। और ये 5 टेबल स्पून शुगर है। 2 चम्मच 2-3 चम्मच बड़े आप इसमें चॉकलेट ले लें, लिक्विड चॉकलेट है मेरे पास। और आप इसमें 1/2 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर है। फ्यू ड्रॉप्स जाएंगे इसके वनीला एसेंस के जाएंगे, 1/2 टीस्पून ले लीजिएगा। और ये ऑयल के आप इसके अंदर जाएंगे 2 टेबल स्पून। और ये मेरे पास स्प्रिंकल्स हैं, ये हम बाद में इसके ऊपर डालते हैं। आए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम अपना फ्लावर लेते हैं। बेकिंग पाउडर डालते हैं, आइसिंग शुगर ले लें, या बेशक आप इसमें शुगर ग्राइंड करके डाल लें, दोनों एक ही बात है। ज़ाहिर आइसिंग शुगर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पड़ता है और उससे ऐसा नहीं है। आपने एग ले लिया, दूध लेंगे हम, अगर मैं आपको कोई भी चीज कप से बताती हूँ तो कप का मतलब ये है, इस मेजरमेंट करने वाले कप जो होते हैं इसका, ये कप है, ये टेबल स्पून है और ये टी स्पून है। तो ऑयल हमें चाहिए इसके अंदर 2 टेबल स्पून। फ्राई करने के लिए बटर है। बटर आप अपने देख के अब करिएगा कि कितना आप उसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए। इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप दूध इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो सही है। इसको मैं बीट करती हूँ और इसके लम्स निकालती हूँ, इसमें लम्स ना हो। वनीला एसेंस चले जाएगा थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून चला गया वनीला एसेंस। बीट करते हैं। ये देखें जी, हमारा रेडी हो गया। इसके लम्स वगैरह इसमें कोई ना हो। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। ऐसी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। बटर डालें तो उसमें कुछ ड्रॉप्स आप ऑयल के ज़रूर डाल दें ताकि आपका बटर जो है वो जले नहीं। इसका जो फ्रेम है वो बिल्कुल लो कर दें उस पर, जब इसके ऊपर सारे पे बबल्स आ जाएंगे इसका मतलब है कि ये रेडी है। देखें सर, बबल्स आना शुरू हो रही हैं। इसको हम ज़रा से देर ऐसे ही रहने देते हैं, जैसे बबल सब पे आ जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखें जी, इस पर बबल्स आ गई हैं, इसका मतलब ये नीचे से कुक हो गया है ना। अब इसको हम फोल्ड करते हैं। बटर की वजह से भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। थोड़ी सी देर उसको इस पर रहने दें ताकि अंदर तक कुक हो जाए। हमारा हो गया रेडी, सब डिश निकालते हैं। अब मैं इस तरह के और भी बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इसको गार्निश करना शुरू करते हैं। तरीके से मैं आपको एक केला दिखाने भूल गई थी, मैंने एक केला काट के रख लिया था। ये केला इसके ऊपर ऐसे बनाना, ये काट के रखने से काला हो जाता है, तो उसके साथ प्लीज़ आप लेमन लगा लें। मैंने लगाया था उसके बावजूद भी ये काला हो गया, लेकिन फिर भी कुछ बचत हो जाती है। इस तरीके से हम सब पे लगा लेते हैं। ये रेडी हो गया है, आप इसको एंजॉय कीजिएगा, मुझे बताइएगा। इसमें आप फ्रेश क्रीम भी बीच में लगा सकते हैं, मैंने चॉकलेट लगाई है, मेपल सिरप भी डाल सकते हैं। तो मुझे इसके अंदर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, कैसी लगी ये रेसिपी। और दुआ में जी याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।